हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल आज के इस वीडियो का टॉपिक है फाइल एक्सटेंशंस आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस टॉपिक से आपको एक से दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो अगर आप फाइल एक्सटेंशन पे अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए और आप उसका आंसर बता पाए तो वीडियो आपको कंप्लीट देखना है वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फाइल एक्सटेंशन क्या है फिर हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे देन स्टार्ट करेंगे टॉप एम जो प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुके हैं जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में फाइल एक्सटेंशन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्टार्ट करते हैं वाट इज फाइल एक्सटेंशन अ फाइल एक्सटेंशन इज द सफिक्स फॉलोइंग द डॉट एट द एंड ऑफ अ फाइल नेम फाइल एक्सटेंशन फाइल नेम के एंड में डॉट के बाद आने वाला सफिक्स है जैसे डॉट टी एक्स टी डॉट जे पी जी एंड डॉट जी ये सभी क्या है फाइल एक्सटेंशन है द फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट्स द फाइल टाइप ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फाइल फाइल एक्सटेंशन कॉरस्पॉन्डिंग फाइल के फाइल टाइप को इंडिकेट करता है इट कम्स आफ्टर द पीरियड एंड इज़ यूजली टू टू फोर करेक्टर्स लॉन्ग फाइल एक्सटेंशन जो है ये डॉट के बाद आता है और दो से चार करेक्टर्स ये लॉन्ग होता है ये भी आपको याद रखना है अगर आपने अपने सिस्टम में कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया है या कोई पिक्चर्स देखा है तो आपने फाइल के एंड में इन करेक्टर्स को नोटिस किया होगा आगे बढ़ते हैं फाइल नेम एंड फाइल एक्सटेंशंस स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड 97 टू 2003 इसका फाइल एक्सटेंशन है .doc डॉस का फुल फॉर्म क्या है डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड द न्यूअर वर्जन ऑफ डॉस डॉस के जितने भी नए वर्जन है उनका फाइल एक्सटेंशन है .docx एक्स का मतलब क्या है एक्सटेंडेड अब नए वर्जन में कौन-कौन से आते हैं ये भी देख लेते हैं तो एमएस वर्ड 2007 2010 13, 16, 19, 21. ये सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए वर्जन हैं और इनका फाइल एक्सटेंशन होता है, .docx. Fact, 365 जो है उसका भी होता है. तो ये आपको याद रखना है एमएस पावर पॉइंट नाइनटी सेवन टू टू थाउजेंड थ्री प्रेजेंटेशन फाइल एक्सटेंशन है डॉट पीपीटी जैसे ही दो हजार सात की बात होती है समझ जाइए नए वर्जन की बात हो रही है और जैसे ही नए वर्जन की बात होती है हमारे फाइल एक्सटेंशन में एक्स ऐड हो जाता है डॉट पी पी टी एक्स एम एस एक्सल नाइनटी सेवन टू टू थाउजेंड थ्री डॉट एक्स एल एस एम एस एक्सल जितने भी इसके नए वर्जन हैं जैसे कि दो हजार सात एक्सल दो हजार दस दो हजार तेरह दो हजार सोलह उन्नीस इक्कीस इन सभी का फाइल एक्सटेंशन है डॉट एक्स एल एस एक्स ठीक है एम एस एक्सेस टू थाउजेंड थ्री माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस दो हजार तीन का फाइल एक्सटेंशन है डॉट एम डी बी एम डी बी का क्या है माइक्रोसॉफ्ट डेटा बेस एम एस एक्सेस टू थाउजेंड सेवन टेन थर्टीन सिक्सटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन इन सभी का फाइल एक्सटेंशन है डॉट ए सी सी डी बी यानी कि एक्सेस डेटाबेस नोट पैड फाइल इसका फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट टी एक्स टी ड फाइल को टेक्स्ट फाइल भी कहते हैं यह आपको याद रखना है पेंट फाइल पेंट फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट बी फुल फॉर्म है बीट मैप इमेज फाइल वर्डपैड वर्ड पैड फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट आर टी एफ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट ये सभी फुल फॉर्म आपको याद रखना है एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्रेस्ड फाइल इसका एक्सटेंशन होता है डॉट जिप और डॉट आर ए आर दोनों का यूज़ होता है जब भी हम किसी भी फाइल के साइज़ को कम करते हैं तो कंप्रेस्ड फाइल कहलाती है और इसका एक्सटेंशन आपको दोनों याद रखने हैं बैकअप फाइल्स बैकअप फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट बी ए के एग्जीक्यूटिबल फाइल डॉट ई एक्स ई टेम्पर्री फाइल जब हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसके साथ में हमारे सिस्टम में टेम्पर्री फाइल क्रिएट हो जाती है अपने आप उसे कहते हैं डॉट .tmp इसका फाइल एक्सटेंशन है .tmp टी एम इसका फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट पी एस डी फोटोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट आउटलुक डेटा स्टोर डॉट पी एस टी इसके बाद है पी डी एफ फाइल पी डी एफ फाइल का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिसका फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट पी डी एफ पी फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सी फाइल है जिससे हम एडिट नहीं कर सकते हैं तो आंसर होगा पी फाइल पी फाइल को रीड करने के लिए हमें एडोव रीडर की ज़रूरत पड़ती है तो ये भी आप याद रखिएगा पी एन जी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फॉर्मेट डॉट पी एन जी इसका फाइल एक्सटेंशन है एच टी एम एल डॉट एच टी एम और डॉट एच टी एम एल दोनों इसका फाइल एक्सटेंशन होता है और html टी एम एल का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअफ लैंग्वेज जो आपको याद रखना है सी एस एस का स्केडिंग स्टाइल सीट फाइल एक्सटेंशन क्या है डॉट सी एस एस इसके बाद है एम एस वर्ड माइक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है डॉट डोस और माइक्रो है इसलिए लास्ट में एड होता है एम माइक्रो का यूज हम क्या कर किस लिए करते हैं किसी भी काम को जो काम हम बार बार करते हैं उसे रिकॉर्ड करने के लिए तो जब भी एम एस वर्ड माइक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट की बात होती है तो डॉट डोस के बाद एम ऐड होता है इसी तरीके से पूछा जाता है एम एस एक्सल माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक तो फाइल एक्सटेंशन क्या होगा डॉट एक्स एल एस एम फिर आता है पावर पॉइंट माइक्रो इनेबल्ड प्रेजेंटेशन डॉट पी पी टी एम याद रखना है चलिए एंड्रॉयड ऐप्स जितने भी एंड्रॉयड ऐप्स होते हैं उनके फाइल एक्सटेंशन क्या होता है डॉट ए पी के जिसका फुल फॉर्म है एंड्रॉयड पैकेज किट्स ये आपको याद रखना है एप्पल आईओएस एस एप्लीकेशन फाइल एंड्रॉयड का हमने देखा अब एप्पल की बात हो रही है तो इसका फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट आई पी ए जिसका फुल फॉर्म है आईओएस एस एप स्टोर पैकेज फाइल फॉर्मेट विच स्टोर्स रिकॉर्ड्स सेपरेटेड बाई कॉमा उस फाइल फॉर्मेट को क्या कहते हैं जो रिकॉर्ड को स्टोर करती है जो कोमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है तो डॉट सी एस वी इसका फुल भी देख लीजिए कोमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑडियो फाइल फॉर्मेट तो इसका होता है डॉट एम पी थ्री एम पी का फुल फॉर्म होता है एम पी ई जी और थ्री का ऑडियो लेयर थ्री और एम पी ई जी की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप ये याद रखिएगा वीडियो फाइल फॉर्मेट डॉट एम पी फोर एम पी फोर लुप इमेज फाइल फॉर्मेट लूप इमेज फाइल फॉर्मेट का फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट जी और जी का फुल फॉर्म क्या है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इसके बाद देखिए जे पी जी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप फाइल फॉर्मेट इसका एक्सटेंशन होता है डॉट जे और डॉट जे दोनों आपको याद रखना है देन है वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट फाइल एक्सटेंशन है डॉट वेब डब्ल्यू एफ एम पी जी फोर वीडियो अभी हमने इसको देखा कि इसका फाइल एक्सटेंशन क्या है तो डॉट एम पी फोर फिर एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का डॉट टी आई एफ एफ तो ये सभी चीजें आपको याद रखना है इसी के साथ हमारा वन लाइनर क्वेश्चन एंड होता है अब हम स्टार्ट करेंगे टॉप एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुए हैं सबसे पहले अभी दो क्वेश्चन आएंगे जिसे आपको ध्यान से समझना है फाइल टाइप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डैश फाइल टाइप को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है यानी कि रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो यहाँ पे दिया गया है फाइल नेम के द्वारा फाइल एक्सटेंशन के द्वारा फाइल आइडेंटिफायर के द्वारा या फिर नन ऑफ देंसेंट तो आंसर क्या होगा बी फाइल एक्सटेंशन फाइल टाइप को फाइल एक्सटेंशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है यानी कि आप किसी भी फाइल को कैसे पहचानते हैं कि ये किस टाइप की फाइल है तो फाइल एक्सटेंशन से पहचानते हैं जो डॉट के बाद हमारा होता है यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम जब कोई फाइल पहली बार सेव की जाती है ए बी सी और डी में से क्या इम्पॉर्टेंट होता है तो आप इसे रीड कीजिएगा हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो तो आंसर होगा बी इट मस्ट बी गिवेन आ नेम टू आइडेंटिफाई इट जब कोई फाइल पहली बार सेव की जाती है तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक नेम देना चाहिए नेम के द्वारा ही हम उस फाइल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो फाइल नेम जो हम फाइल को नेम देते हैं उसे कहते हैं फाइल नेम और जो बाय डिफॉल्ट होता है उसे कहा जाता है फाइल एक्सटेंशन ठीक है तो फाइल एक्सटेंशन फाइल के टाइप को बताता है और फाइल नेम हमें फाइल को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है उम्मीद करते हैं कोई भी डाउट नहीं होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है डॉट डोस इज अ डॉट डी ओ सी ये जो है एक वर्ड फाइल है पिक्चर फाइल है डिलीटेड फाइल है या फिर ड्राइवर फाइल है तो आंसर क्या होगा ए वर्ड फाइल यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में कई बार इस तरीके से भी देखा गया है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड फाइल एम एस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है ए बी सी और डी दिया गया है आंसर क्या होगा बी डॉट डोज क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए द फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज डैश माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फाइल एक्सटेंशन क्या है ए बी सी और डी में से तो आंसर क्या होगा डी डॉट पीपीटी, वर्ड का डॉस होगा एक्सल का एक्स एल एस होगा एम डी बी माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस यानी कि ये एक्सेस का फाइल एक्सटेंशन है तो चारों आपको याद रखने हैं वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेस वट इज द डिफॉल्ट फाइल टाइप और फाइल एक्सटेंशन फॉर प्रेजेंटेशंस क्रिएटेड इन एम एस पावर पॉइंट टू थाउजेंड सेवन और न्यूअर वर्जनस देखिए क्वेश्चन आ गया एम एस पावर पॉइंट दो हजार सात या नए वर्जन में क्रिएट की गई प्रेजेंटेशन के लिए डिफॉल्ट फाइल टाइप या फाइल एक्सटेंशन क्या है तो नए वर्जन की जब भी बात होती है तो फाइल एक्सटेंशन में क्या आता है एक्स एड हो जाता है डॉट पी एक्स तो करेक्ट आंसर डी होगा आइडेंटिफाई द इन करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग निम्नलिखित में से गलत जोड़ी पहचाने तो डॉट जे पी जी ये एक ग्राफिक फाइल है डॉट टी टी एफ वर्ड टेक्स्ट फाइल डॉट वेव ऑडियो फाइल डॉट ई फाइल दिया गया है अब आप बताइए ए बी सी और डी पेयर में से कौन सा इनकरेक्ट है यानी कि गलत है तो आंसर क्या बनेगा बी बनेगा डॉट टी टी एफ जो है ये वर्ड टेक्स्ट फाइल नहीं होता है जेपीजी ग्राफिक्स फाइल है वेब ऑडियो फाइल है और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है ये कौन सी फाइल होती है कमेंट में लिख के बताइए हमने वन लाइनर क्वेश्चन में डिस्कस किया है अब आगे देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई द इन करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से गलत जोड़ी पहचाने तो डॉट टी टी एफ फॉन्ट फाइल डॉट ऑडियो फाइल डॉट जे पी जी ग्राफिक फाइल डॉट ई एक्सई एक्सक्लूसिव डेटा फाइल तो यहां पे इनकरेक्ट क्या होगा डी होगा डॉट ई जो होता है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन दिया गया है तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा डी बनेगा पिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर एन ऑडियो फाइल निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल का वैलिड फाइल एक्सटेंशन नहीं है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी होगा डॉट आर ए आर ये ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है कमेंट में लिख के बताइए कि ये किसका फाइल एक्सटेंशन है बाकी जो आप डॉट एम पी थ्री डॉट वेव डॉट मिड ये सभी देख रहे हैं ये सभी ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन दिए गए हैं इसका ये किसका फाइल एक्सटेंशन है कमेंट में लिख के बताइए आगे बढ़ते हैं व्हाट इज़ द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 एंड अबव माइक्रोसॉफ्ट एक्सल 2007 और उससे ऊपर के जितने भी वर्जन हैं उनका डिफॉल्ट फाइल नेम क्या है तो आंसर होगा सी डॉट एक्स एल एस एक्स क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए वाट इज एक्सटेंशन ऑफ जिप्ट फाइल जिप फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन क्या है तो आंसर होगा डी डॉट जे जेड आई पी यानी कि zip। वट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर बैच फाइल्स बैच फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है तो आंसर होगा ए डॉट बी ए टी डॉट बैट वट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लेन टेक्सट फाइल प्लेन टेक्स्ट फाइल यहाँ पे टेक्सट फाइल से आपको क्या पता चल रहा है कि नोट पैड का फाइल एक्सटेंशन आपसे पूछा गया है नोट पैड में हम किसी भी पिक्चर को एड नहीं कर सकते हैं उसमें हम कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ इसीलिए उसे प्लेन टेक्स्ट फाइल भी कहा जाता है और उसका एक्सटेंशन क्या होता है डॉट टी एक्स टी फिच ऑफ द निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थाई फाइल का एक्सटेंशन है तो टेम्पररी फाइल जितनी भी होती है उनका एक्सटेंशन होता है डॉट टीएम वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ फाइल फुली फाइल का फुल फॉर्म क्या है हमने आपसे कहा था कि फुल फॉर्म से रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने आपको बताया भी है आंसर क्या होगा बी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल बाय डिफॉल्ट एम एस पावर पॉइंट थ्री सिक्सटी फाइव द फॉलोइंग एक्सटेंशन बताइए बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट थ्री सिक्सटी फाइव प्रेजेंटेशन निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है और यहाँ पे आपको दिया गया है ए बी सी और डी और आंसर क्या होगा आपने बिल्कुल सही सोचा है बी डॉट पी पी टी एक्स हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2007 के बाद जितने भी नए वर्जन हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट थ्री इंक्लूडेड सभी का फाइल एक्सटेंशन डॉट पी पी टी एक्स है द फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट और एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस टू थाउजेंड सेवन इज बताइए ऑफिस दो हजार सात में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है तो आंसर क्या होगा डॉट डी ओ सी एक्स यहाँ पे आपको कन्फ्यूज करने के लिए डॉट डोस भी दिया गया है लेकिन दो हजार सात से पहले यानी कि दो हजार तीन जो था उसका फाइल एक्सटेंशन डॉट डी ओ सी था लेकिन 2007 और इससे जो नए वर्जन है सभी का डॉट डोस एक्स है ठीक है बार बार कह रहे हैं जो ताकि आपको याद हो जाए द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ पेंट इज पेंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है तो हमने डिस्कस किया है कि पेंट फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट बी एम पी वाट इज एक्सटेंशन ऑफ कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल अल्प विराम से अलग की गई वैल्यू फाइल का एक्सटेंशन क्या है तो आंसर क्या होगा डॉट सी एस वी जो आपको याद रखना है कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल एक्सटेंशन डॉट सी एस वी द एक्सटेंशन आर टी एफ रेफर्स टू आर टी एफ ये जो एक्सटेंशन है ये किसे रेफर करता है तो आंसर क्या होगा ए रिच टेक्स्ट फॉर्मेट यानी कि वर्ड पैड को रेफर करता है इन पेंट विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता है तो एम एस पेंट में डॉट पी एन जी सपोर्ट करता है डॉट जी आई एफ सपोर्ट करता है डॉट जे पी ई जी सपोर्ट करता है तो आंसर बनेगा बी डॉट डोस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये सपोर्ट नहीं करता है द बैट बी ए टी रेफर्स टू ये किसे रेफर करता है तो आंसर होगा ऑडियो फाइल बैकअप फाइल सिस्टम फाइल कंप्रेस्ड अर्चिव फाइल्स आंसर है सिस्टम फाइल को रेफर करता है वट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेपी जी फाइल टाइप ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर का एक फाइल टाइप जेपीजी जिसका फुल फॉर्म क्या है यह आपको बताना है तो आपको दिया जाता है ए बी सी और डी आंसर क्या होगा सी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखिए द फुल फॉर्म ऑफ फुली एन इमेज फाइल फॉर्मेट इज डैश बी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है जो एक इमेज फाइल फॉर्मेट है तो आंसर क्या होगा बी मैप। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देखिए टिफ टी आई एफ एफ और टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट आर यूज फॉर ये किसके लिए यूज किए जाते हैं ए बी सी एफ ई डी तो आंसर होगा बी विट मैप के लिए मैप e, एक इमेज फाइल फॉर्मेट है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है इन कंप्यूटर टर्मिनोलोजी एम पी ई जी स्टैंड्स फॉर ए बी सी और डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में लिख के बताइए वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चैनल्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं